हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप। और अगर आप भी जानना चाहते हैं टीवी और सीरियल की दुनिया का ताज़ा हाल, तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुरुआत बॉलीवुड की ताज़ा खबरों के साथ। देखिए, जीवन में स्ट्रेस कम नहीं होता, लेकिन जीवन जीने का सही तरीका यही होता है कि स्ट्रेस के बीच बीच में आप हंसी और खुशी के साथ प्यार के पल जिए, खुशी बाहों के साथ उन्हें आमंत्रित करें और उन्हें गले से लगा लें। अब स्ट्रेस तो है घर वालों को ये बताने की कि अब कभी प्रीता माँ नहीं बन सकती, लेकिन इसी बीच करण और प्रीता को कुछ पल प्यार के मिले और दोनों इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। आइए देखते हैं इन दोनों के साथ सुहाने पल। जब जब करण प्रीता के करीब आता है, तब तब वो प्रीता के सभी दुखों को दूर कर देता है। अब करण के प्यार में जादू ही कुछ ऐसा है कि प्रीता करण पर अपना जान न्योछावर करती है। अब देखिए, वैसे प्रीता बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये दुख वो भूल नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही वो करण की बाहों में आई, मानो उस पर प्यार का खुमार छा गया हो। करण और प्रीता एक दूसरे में खोए हुए हैं। वैसे तो सीरियल का ये रोमांटिक सीन देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इतने आसानी से यहाँ रोमांस का दौर चले। बिना ट्विस्ट और ड्रामा ये तो सीरियल की जान होती है। अब शर्लिन, जिसे शक हो गया है, जिसने प्रीता को रोते हुए देख लिया है, वो अंदर ही अंदर समझ रही है कि कुछ तो बात है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब प्रीता अपनी सास और पति से ये बताए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो कभी माँ नहीं बन सकती है। इससे पहले लगता है शर्लिन इस बात का पता जरूर लगा लेगी और इस बात का खुलासा भी कर देगी। अब प्रीता आपको एक सलाह जरूर देंगे, इस बार आप देर मत करना। टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो का वैसे तो फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हाल ही में कपिल ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीजन के कमबैक का ऐलान भी कर दिया है और इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। वैसे आपको बता दें कि कई मौके इस शो पर ऐसे भी आए हैं जब बॉलीवुड एक्टर्स अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए इस शो पर नजर आए हैं, और इस दौरान कई बड़े स्टार्स ने अपनी लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में भी बताया है। वहीं इनमें से कई ने सीक्रेट सुर्खियों में भी रही है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे इन स्टार्स के सीक्रेट्स के बारे में। कपिल के शो में एक बार अक्षय कुमार ने दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल नहीं होने की एक खास वजह बताई थी। अक्षय ने बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगता है कि कहीं उन्हें रेस्टोरेंट का बिल पे न करना पड़ जाए। वहीं एक बार कपिल के शो के दौरान काजोल ने कहा था कि जब मैं करण से पहली बार मिली तो मैं इन्हें देखकर इसलिए हंसती थी क्योंकि इन्होंने एक डिस्को पार्टी में थ्री पीस यानी कोट, पैंट और टाई पहनी थी। एक्ट्रेस काजोल और फिल्म मेकर करण जौहर की दोस्ती और दुश्मनी किसी से नहीं छुपी है। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर करण जौहर ने बताया था कि काजोल को बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार पर क्रश था। वही बात अगर कृति सैनन की करें तो कृति सैनन ने ये खुलासा किया था कि मैं बाथरूम में भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती हूँ। इस समय का उपयोग मैं जरूरी मैसेज का जवाब देने के लिए करती हूँ। वहीं सिंगर कुमार सानू ने बताया था कि मैंने अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस माफिया गैंग के सामने रेलवे ट्रैक पर दिया था। जब उनके पिता को पता चला कि उन्होंने माफिया गैंग के सामने गाना गाया है तो उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ा और काफी गुस्सा भी हुए। कुमार सानू ने बताया कि मेरे पिता एक रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सलमान खान ने अपने बचपन का एक किस्सा साझा करते हुए कपिल के शो पर यह बताया था कि एक बार क्लास टीचर ने उन्हें बिना किसी गलती के पनिशमेंट दी थी, क्लास के बाहर निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने फीस नहीं भरी थी। पास से पिता सलीम गुजर रहे थे, जिन्होंने सलमान को देखा, उनसे गलती को लेकर सवाल किया। इस पर सलमान ने पिता से कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि क्लास टीचर ने ऐसा क्यों किया है। अगले दिन सलीम खान को ये पता चला कि सलमान की स्कूल की फीस उन्होंने नहीं भरी है, जिसकी वजह से एक्टर को पनिशमेंट मिली है। तब सलीम ने तुरंत उनकी फीस जमा की और सलमान की क्लास टीचर ने उनसे माफी मांगी।
उदित नारायण ने कपिल शर्मा शो में कपिल की फीस का खुलासा कर दिया था। उदित ने कपिल को ये कहकर चिढ़ाया था कि कॉमेडियन प्रति एपिसोड करीब 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वहीं एक्टर अर्शद वारसी भी एक बार पत्नी मारिया गोरेटी के साथ शो में पहुंचे थे। इस दौरान अर्शद ने खुलासा किया था कि वो मारिया को प्रपोज करते समय उनसे काफी डर रहे थे, क्योंकि इन्हें इस बात का डर था कि कहीं वो जोरदार थप्पड़ न जड़ दे। सबसे पहले अवनीत कौर यानी टीवी की पुरानी यास्मिन के डिजिटल जर्नी की बात करेंगे। जी हाँ, उनके ढेर सारे म्यूजिक वीडियोस एल्बम्स आ रहे हैं। वैसे तो अवनीत छोटे पर्दे की नए जनरेशन की कलाकारों में से एक हैं और सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के मामले में भी पीछे नहीं है। अब अवनीत अपने किस पोस्ट के लिए सुर्खियों में है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। 19 साल की अवनीत एक्टिंग में तो कमाल है ही, साथ ही उनके फैशन सेंस का जवाब नहीं है। अवनीत सोशल मीडिया पर अपने कई फोटोशूट शेयर कर चुकी हैं और हर बार वो अपने लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। कैजुअल से लेकर स्टाइलिश, एथनिक और ग्लैमरस हर लुक में अवनीत कौर कमाल लगती हैं। साथ ही उनके पोज देने का तरीका और एक्सप्रेशन हमेशा देखने वाले का दिल छू जाता है। अब इन दिनों वो अपने ब्लैक आउटफिट में करवाए फोटोशूट को लेकर चर्चे में बनी हुई हैं। अवनीत कौर को अपने म्यूजिक वीडियोस के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि अवनीत अभी तक 20 से ज्यादा म्यूजिक वीडियोस में काम कर चुकी हैं। इन सभी से उन्हें एक से बढ़कर एक आउटफिट और लुक में देखा गया है। कभी वो बंजारन बनी नजर आती हैं तो कभी पंजाबी कुड़ी। अवनीत कौर के करियर की बात करें तो उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स में कदम रखा था। तब उनकी उम्र महज 8 साल की थी। इस शो में उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया था, हालांकि वो सेमीफाइनल से पहले एलिमिनेट हो गई थी। इसके बाद अवनीत को डांस के सुपरस्टार्स नाम से रियलिटी शो में देखा गया था। अवनीत कौर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत लाइफ ओके की सीरियल मेरी माँ से की थी। 2012 में आई इस सीरियल में वो झिलमिल के किरदार में नजर आई थी। इसके बाद उन्हें सीरियल टेढ़ा है पर मेरा में देखा गया। उन्हें रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी देखा गया था। आपको बता दें कि इसके अलावा अवनीत कौर ने एक मुट्ठी आसमान, हमारी सिस्टर दीदी, चंद्रनंदनी और अलादीन नाम तो सुना होगा जैसे सीरियल में काम किया है। सीरियल अलादीन में सिद्धार्थ निगम के साथ अवनीत कौर की जोड़ी को खूब पसंद भी किया गया था और साथ ही अफवाहें उड़ी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ और अवनीत की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को न सिर्फ फैंस बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी समझने लगे थे। तभी तो दोनों को साथ में कई म्यूजिक वीडियोस में लिया गया। इसमें होने लगा तुमसे प्यार नाम का म्यूजिक वीडियो भी शामिल है। हालांकि सिद्धार्थ निगम के साथ अपने अफेयर की अफवाह को लेकर अवनीत कौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। अवनीत ने कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मैं लोगों की मेरा नाम सिद्धार्थ के साथ जोड़ने से नाराज नहीं होती। मैं खुश हूँ कि लोगों को लगता है हम साथ हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अवनीत ने कहा, हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि लोग हमें शाहरुख खान और काजोल जैसा मानते हैं। हमारे लिए ये तारीफ की बात है। मैं तो सिद्धार्थ को बधाई देना चाहूंगी कि हमारी मेहनत रंग लाई और लोगों को हमारे निभाए किरदारों पर विश्वास हो गया। आपको बता दें कि काम के लिए अवनीत कौर बेस्ट डेब्यू का जी गोल्ड अवार्ड जीत चुकी हैं। उन्होंने टीवी के अलावा 2014 में आई रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी में भी काम किया हुआ है। इंस्टाग्राम के टॉप इन्फ्लुएंसर में अवनीत का नाम आता है और उनके इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
बिग बॉस के फैंस के लिए एक्साइटिंग खबर है। जी हाँ, क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है कि फैंस सुनकर खुश तो जरूर होंगे। अब आपके एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए बता दें कि अब इसकी पहली कंटेस्टेंट का नाम सामने आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाल ही में बिग बॉस OTT का ऐलान हुआ था। फैंस ऐलान के बाद से ही काफी एक्साइटेड हैं। इस शो को देश के बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर होस्ट करने वाले हैं। आपको बता दें, करण जौहर 6 हफ्ते चलने वाले बिग बॉस OTT के एंकर होंगे। बिग बॉस OTT का प्रीमियर 8 अगस्त 2021 को वूट पर होगा। अब इसकी पहली कंटेस्टेंट का नाम सामने आ गया है। आपकी एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए बता दें कि बिग बॉस OTT की पहली कंटेस्टेंट नेहा भसीन है। जी हाँ, जिन्होंने कुछ खास है और बाजरे द सिट्टा के साथ कई सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं। नेहा भसीन इससे पहले झलक दिखला जा में हिस्सा ले चुकी हैं। वो लव में इंडिया शो में जज भी रह चुकी हैं। नेहा की म्यूजिक कंपोजर समीर उद्दीन से शादी की है। इस बार बिग बॉस 15 एक अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी हाँ, पहले बिग बॉस OTT वूट पर स्ट्रीम होगा। वूट पर बिग बॉस 6 सप्ताह के लिए स्ट्रीम होगा। इसे फिल्म मेकर करण जौहर होस्ट करेंगे। शो के 6 हफ्ते पूरे होने के बाद बिग बॉस 15 का आगाज होगा और ये कलर्स पर ही आएगा। बिग बॉस के फैंस को पहली बार पूरे ड्रामे को 24 घंटे 7 दिन लाइव देख सकेंगे। इसके अलावा वूट पर 1 घंटे का एपिसोड देख सकेंगे। दर्शकों को एक्सक्लूसिव कट्स, 2400 घंटे कंटेंट ड्राफ्ट्स और पूरी तरह से इंटरैक्टिव सेशन देखने का मौका मिलेगा। वूट पर डिजिटल प्रीमियर पूरा होने के साथ ही बिग बॉस 15 लॉन्च होगा, जो कलर्स पर ऑन एयर होगा। आपको बता दें कि सलमान खान बिग बॉस 15 को होस्ट करेंगे। बिग बॉस 15 में बिग बॉस OTT से ज्यादा कंटेस्टेंट्स होंगे। फिर ये शो 6 महीने तक चलेगा, जो कि अब तक के सभी सीजन से सबसे ज्यादा लंबा होगा। वहीं अगर नेहा भसीन के पॉपुलर गाने की बात करें, तो नेहा भसीन बॉलीवुड की एक पॉपुलर सिंगर हैं। उनके नाम कुछ बेहतरीन गानों की लिस्ट में है, जिनमें जग घूमिया, धुनकी लागे, कुछ खास है, चाशनी जैसे गाने शामिल हैं। नेहा बाकी 11 कंटेस्टेंट्स के साथ बिग बॉस OTT में 6 हफ्तों के लिए रहेंगी और कंपटीशन देंगी। 8 अगस्त को रिलीज हो रहा ये शो वूट पर ऑन एयर होने के बाद कलर्स पर बिग बॉस 15 के तौर पर रिलीज होगा। आपको बता दें कि इस बार शो को करण जौहर होस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, इस बार बिग बॉस को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। करण बिग बॉस OTT में होस्ट के रूप में नजर आएंगे, जबकि कलर्स चैनल पर इसे सलमान खान ही होस्ट करेंगे। करण जौहर ने शो को होस्ट करने को लेकर एक्साइटमेंट जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वो बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं, वो इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते।
गायकों का जिक्र जब भी होता है तो उसमें शुरू के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफी का नाम जरूर आता है। जी हाँ, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मोहम्मद रफी की आवाज में जो दर्द था वो सुनने वाले के दिल में उतर जाया करता था। कहने को तो इंडस्ट्री में शुरू के एक से एक फनकार हुए, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं दिखी जो मोहम्मद रफी में थी। बता दें कि 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। हालांकि संगीत की दुनिया में जैसा नाम और सम्मान मोहम्मद रफी ने कमाया उसे हासिल करना वाकई काबिले तारीफ है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे मोहम्मद रफी की जिंदगी की अनसुनी कहानियां। मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के सबसे दयालु और सच्चे कलाकार थे। बताया जाता है कि वो संगीतकार से ये भी नहीं पूछते थे कि उन्हें गाना गाने के कितने रुपए मिलेंगे। कभी कभी तो वो आकर गाना गा दिया करते थे और सिर्फ 1 रुपए ही लेते थे। उनके करियर के साथ साथ उनकी मौत से जुड़ा एक किस्सा है जो बेहद दिलचस्प है। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश और तलत महमूद ही लोगों के बीच प्रसिद्ध थे। उस वक्त रफी साहब को कोई नहीं जानता था। हालांकि जब नौशाद की फिल्म बैजू बारवा के लिए रफी साहब को मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबा पर छा जाओगे। इस बात में कोई शक नहीं कि उनकी ये बात एकदम सच निकली। मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए, जिनमें बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाने गाए। रफी साहब से जुड़ा एक किस्सा था जो बहुत मशहूर हुआ था। फिल्म नील कमल का गाना बाबुल की दुआएं ले दी जा गाते वक्त रफी साहब की आंखों में आंसू आ जाते थे। इसकी वजह ये थी कि इस गाने के ठीक एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी और इसलिए रफी साहब भावुक हो जाते थे। इस गीत के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रफी साहब को 6 फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। रफी साहब ने आसामी, कोकड़ी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, बंगाली के साथ साथ स्पेनिश और अंग्रेजी में भी गाने गाए थे। रफी साहब ने बिल्किस से शादी की थी जो कि उनके बड़े भाई की साली थी। उन्होंने रफी साहब के बारे में बताया था कि वो पब्लिसिटी पसंद नहीं करते थे। हर तरफ जब भी वो किसी की शादी में जाते तो अपने ड्राइवर से कहते यहीं खड़े रहना। इसके बाद जोड़े के पास जाकर उन्हें बधाई देते और फिर कार में आकर बैठ जाते। मोहम्मद रफी ने सबसे ज्यादा गाने लता मंगेशकर के साथ गाए हैं। उनके बारे में बात करते हुए लता जी ने कहा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा गाने गाए। गाना कैसा भी हो वो ऐसे गा लेते थे कि गाना ना समझने वाला भी वाह वाह कर उठता था। उनके निधन पर मशहूर गीतकार नौशाद ने लिखा था, गूंजती है तेरी आवाज अमीरों के महल में, झोपड़ों के गरीबों में भी तेरी साज। यूं तो अपने मौसिकी पर साहब को फक्र होता है, मगर ऐ मेरे साथी मौसिकी को भी आज तुझ पर नाज है। मोहम्मद रफी ने अपने निधन से पहले एक गाना रिकॉर्ड किया था जिसके बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। किसी को भी नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी गीत होगा। 31 जुलाई को रफी साहब को हार्ट अटैक आया था जिसके चलते उनका निधन हो गया। जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे। उस दिन अभिनेता मनोज कुमार ने ये कहा था, सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। रफी साहब चले गए लेकिन जाते जाते संगीत प्रेमियों के लिए अपने वो गीत छोड़ गए जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। बर्थडे गर्ल कियारा आडवाणी वैसे तो अपने फैशन स्टेटमेंट से सुर्खियों में बनी रहती हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी उनकी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जब उन्होंने साड़ी के साथ गेम प्ले करते हुए वेस्टर्न टच के साथ टीम अप किया था। देखिए ये खास रिपोर्ट।
सिल्वन मेटलिक साड़ी के पल्लू को दुपट्टे की तरह ट्रैप किया था जिसमें प्लीटेड स्कर्ट थी। कियारा ने साड़ी को मैचिंग स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ पेयर किया था, साथ ही उन्होंने ब्लैक क्लच के साथ इस लुक को परफेक्ट फिनिशिंग टच दिया। कियारा आडवाणी ने एक इवेंट के लिए डिजाइनर आकांक्षा गजारिया की पिंक सीक्वेंस साड़ी को चूज किया था। सफेद के ऊपर पिंक प्रिंट साड़ी की खूबसूरती और निखार रहा था। कियारा ने साड़ी को स्ट्रैपी ब्लाउज और स्टेटमेंट डायमंड नेक पीस के साथ स्टाइल किया था। वहीं एथनिक वियर को भी कियारा ने बड़ी ही खूबसूरती से कैरी किया है। ब्लैक एंड व्हाइट पोलका डॉट साड़ी में एक्ट्रेस एकदम देसी गर्ल लग रही हैं। उन्होंने इसे कलरफुल ब्लाउज के साथ पेयर किया था। कियारा आडवाणी ने एक बेरी रेड रॉ सिल्क कढ़ाई वाली खूबसूरत साड़ी पहनी थी जिसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। साड़ी को एक्ट्रेस ने मिरर वर्क वाले ब्लाउज के साथ स्टाइल किया था। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़े बिग न्यूज हो या स्टार्स की लाइफस्टाइल, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सी, हर खबर मिलेगी बॉलीवुड गपशप पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।